इसलिए जब कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी इंग्लिश फिल्में होती हैं, मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि जो इंग्लिश जानता है ना, उससे ज़्यादा समझ में आ जाती है मुझे पिक्चर। When you see international cinema, do you ever wish कि ये रोल मैं करता तो? बहुत सारे रोल हैं जो इंटरनेशनल फिल्म्स में होते हैं, जब देखते हैं तो हमें कुड़न होती है, मुझे चिढ़ होती है, मुझे अपने आप से होती है। इलेक्ट्रॉनी लैंग करके एक एक्टर है वो, तो उसकी जब एक दो चार फिल्में मैंने देखी, इन द मूड फॉर लव और वंकार भाई की जो फिल्में मैं ज़्यादातर उली की फिल्में करता है, उसकी फिल्म को उसको उस एक्टर को देख के ना मुझे हमेशा जेलेसी होती है। वो इतना इंटरनलाइज करता है ना हर रोल को, इतना वो ना तो फेस पे लाता है ना आइज़ पे लाता है वो बस, बट उसके मुझे मालूम रहता है कि जो उसका जो इस वक्त पे जो उसका ब्रेन है, इसका जो माइंड है, वो क्या सोच रहा है, क्या थॉट है, वो मुझे दिखता है। हम लोग उसको देख सकते हैं उस तरह की परफॉर्मेंस, जैसे बाइसिकल थीफ में जो उस कैरेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी, कभी भी फेस पे या वो कभी लाने की कोशिश ही नहीं करते, दिखाने की कोशिश नहीं करते, और मुझे ऐसी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। मैं कोशिश भी हाँ मैं कोशिश भी करता हूँ, तो कभी कभी होता है यार क्या कर रहे हो, कुछ करो यार, ऐसे हो जाता है। मैंने कर रहा हूँ, मेरे चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है, बट मैं दिमाग में कैरेक्टर हूँ। हाँ दिमाग में कैरेक्टर चल रहा है मेरे, तो डोंट वरी। तो बट यहाँ पे क्या ना, मुंह पे लाना पड़ता है जो आप सोच रहे हो, उसको चेहरे पे लाना पड़ता है, वो बड़ा दुखदाई होता है एक्चुअली। तो नवाज, मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा का आप पर उतना इन्फ्लुएंस नहीं है? जैसे मैंने कुछ फिल्में बताई थी उनका असर है, बहुत असर है उनका, लाइक जैसे स्पर्श बताई थी, स्पर्श तो मतलब मेरे लिए कल्ट क्लासिक है मेरे लिए एज एन एक्टर। लेकिन जो बिल्कुल ही सॉर्ट ऑफ द ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड डांस फिल्म, उनको मजा आता है देखने पे, लेकिन असर नहीं होता। यू एंजॉय? हां ऑफ कोर्स, बिल्कुल एंजॉय करता हूं। सो व्हाट आर दोस दैट यू एंजॉयड? मैंने तो सारी बच्चन साहब की सारी फिल्में एंजॉय की हैं, अभी भी जो आती हैं, अभी तो खैर मैं देखता नहीं, लेकिन अभी भी जो स्वैग वाली एटीट्यूड वाली फिल्में वो एंजॉय करता हूँ, जो भाई वाली इस तरह की जो फिल्में हैं। और उनमें भी आप एक्टिंग देख रहे हैं कि वो फिर ऑडियंस की तरह? नहीं, उसमें भी देखो, वो मुझे मालूम है कि भाई ये मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं, भाई ये है, तो उसमें आपको फिर गलतियाँ नहीं नजर आती, क्योंकि आपको पसंद है, आप जाके वो स्वैग ही देखना चाह रहे हैं, तो मजा आता है उसमें। हाँ स्टाइल। तो कौन सी फिल्में थी नवाज जिसके लिए आप, लेट्स से दैट बिकम्स योर गो टू? एक फिल्म थी श्याम बेनेगल की मम्मू करके एक फिल्म थी। हाँ। तो वो फिल्म मैं कभी भी देख सकता हूँ, क्योंकि मैं जब भी वो फिल्म देखता हूँ मुझे हमेशा मेरी नानी की याद आ जाती है, क्योंकि वो मेरे गांव से आती थी और उनकी वो थी, उनकी आदत थी कि बिना बुलाए आ जाती थी कहीं, और हर जगह जाती थी वो, बुढ़ी हो गई थी लेकिन हर बार नॉक करती थी, आ गई मैं, और बुढ़ी हो गई थी, आ गई मैं, अरे यार क्यों आ गई, तो ऐसा होता था, लेकिन आ जाती थी वो, हर जगह चली जाती थी। तो मुझे फरीदा जलाल का उसमें जो कैरेक्टर था, तो मुझे हमेशा याद दिलाता है उनको, इतनी मुझे पसंद है, कभी भी देख सकता हूँ उस फिल्म को। तो किस टाइप की फिल्में देखते हैं पसंद करते हैं, व्हाट इज प्रेफर्ड? कुछ फिल्में हैं जो मैंने पहले की देखी हुई हैं, अभी रिसेंटली भी देखी हैं कुछ फिल्में, लाइक जैसे सीक्रेट इन देयर आइज एक फिल्म थी, लाइफ ऑफ अदर्स, और एक थी स्कारफेस, और एक फिल्म और थी सेपरेशन। ये फिल्में थी तो जिनका बहुत असर मेरे पे हुआ था जिन फिल्मों को देख के। तो जब आप देखते हैं नवाज, तो आर यू वॉचिंग एज एन ऑडियंस कि आर यू ऑलवेज एन एक्टर? और Always an actor. मुझे, मैं audience की तरह watch कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे actor जो होता है उसी के साथ, उसकी journey के साथ चलना होता है, तो मुझे वो ज़्यादा। और shows देखते हैं आप, उसका time मिलता है? Shows बहुत कम देखे मैंने, Narcos देखा, Black Mirror देखा, इस तरह के shows देखे। और वहाँ से भी आप acting ही देख रहे हैं? हाँ, जो मैं उस जो वो जो main character था उसमें, जब Narcos में जो दो पहले दो सीरीज में जो था वो, उसके साथ ही मैं सारा कुछ कर रहा था, वो जैसे वो कर रहा था वैसे ही मैं कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि जो वो कर रहा था मैं वही कर रहा था? हाँ, मतलब जो उसके साथ हो रहा था वही मेरे साथ हो रहा था। आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं? इमोशनल नहीं, बट उसकी कंडीशन, जो माइंड की कंडीशन उस वक्त क्या होगी उसका, उसके साथ, हाँ उसके साथ। इसलिए जब कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी इंग्लिश फिल्में होती हैं, मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि जो इंग्लिश जानता है ना, उससे ज़्यादा समझ में आ जाती है मुझे पिक्चर।